प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश के विभिन्न मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह आज तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। बता दें कि श्री रंगनाथ स्वामी भगवान शिव के एक रूप हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना श्री राम और माता सीता ने की थी। पुराणों और संगम युग के ग्रंथों में इस मंदिर का जिक्र है। कावेरी और कोलीदम नदियों के बीच एक टापू पर यह मंदिर स्थित है, जिसका विस्तार 150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में है। चोल वंश शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। पीएम मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कंब रामायण का पाठ सुना। बता दें कि महर्षि कंबन ने इस महाकाव्य की रचना 9वीं सदी में तमिल भाषा में की थी। इसमें रावण बद्ध करके श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने का वर्णन है। कंब रामायण में 10,050 पद्य हैं और बालकांड से युद्धकांड तक 6 कांडों का विस्तार इसमें मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद रामेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां वह श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अपनी स्थापत्य कला, भव्यता और अपने असंख्य प्रतिष्ठित गोपुरमों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रंगनाथ स्वामी हैं, जो वह भगवान विष्णु के लेटे हुए रूप हैं। वैष्णव धर्म ग्रंथों में इस मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति और अयोध्या के बीच संबंध का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की इस मूर्ति की पूजा श्री राम और उनके पूर्वज करते थे। उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दिया था। रास्ते में यह मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित कर दी गई। महान दार्शनिक और संत श्री रामानुजाचार्य भी इस मंदिर के इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस मंदिर में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कंबा रामायण को पहली बार तमिल कवि कंबन ने इस परिसर में एक विशेष स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया।